जो अपनी दादी से बोलती है कि ग्रैनी ग्रैनी, यानी जो ग्रैनी का मतलब दादी की, ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कम माय हेयर, यानी मेरे बालों में आप क्या करो, कम की कर दो। तो पहले हम पोयम पढ़ेंगे, पेज नंबर 63 पे आप लोग देखेंगे, 65 पे क्या है कि ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कम माय हेयर, यू ऑलवेज टेक योर टाइम, यू ऑलवेज टेक सच केयर। जो बच्ची है वो अपनी दादी से कहती है कि ग्रैनी ग्रैनी, यानी दादी आप मेरे बालों में क्या करो, कंघी कर दो। यहाँ पे जो फॉर्म लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कंघी, ठीक है। यू ऑलवेज टेक योर टाइम, वो क्या कहती है कि आपके पास मेरे लिए हमेशा टाइम रहता है। यू ऑलवेज टेक सच केयर, और आप क्या करती हैं, मेरा बहुत ही ध्यान रखती हैं। फिर यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन बिटवीन योर नीज, यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल फार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज। वो बच्ची क्या कहती है कि आप मुझे क्या करती है, एक कुशन छोटी सी तकिए पे आप मुझे बैठा देती हैं अपने दोनों पैरों के बीच में। यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल फार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज, और जैसे हवा बहती है धीरे धीरे, वैसे ही आप बहुत ही धीरे धीरे अपने मुलायम हाथों से मेरे बालों में कोकोनट ऑयल लगाती हैं, यानी नारियल का तेल लगाती हैं। फिर मम्मी मम्मी शी इज ऑलवेज इन अ हरी हरी रश, वो क्या कहती है कि जब भी मैं मतलब मम्मी से बोलती हूँ तो मम्मी क्या कहती है, मम्मी हमेशा जल्दबाजी में रहती हैं। शी पुल्स माय हेयर समटाइम्स शी टक्स, कभी कभी क्या करती है वो मेरे बालों को झाड़ने जाती है तो बहुत ही टाइट झाड़ देती है, या बाल उनसे क्या होते हैं खींच जाते हैं। बट ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, लेकिन आप जो है मेरी जो दादी है उनके पास मेरे लिए क्या होता है, हमेशा टाइम होता है। एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड, और जब आप मेरे बालों में तेल लगा चुकी होती हैं, यू ऑलवेज टर्न माय हेड, आप मेरे सर को क्या करती है अपनी तरफ घुमा कर से बोलती है, नाउ हु इज अ नाइस गर्ल, ये कौन सी अच्छी बच्ची है, ठीक है। तो ये पोयम आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये जो पोयम है आप लोग इसको घर पे रीड करेंगे,